स्वागत है गाइज आपका मेरे चैनल टेक्सचर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइज, जब भी आप यहां पर व्हाट्सअप के अंदर जाते हैं, यहां पर आप लिंक डिवाइस में जाते हैं, तो जब भी आप यहां पर लिंक डिवाइस करते हैं तो कैमरा ऑन होता है, और जब भी आप यहां पर QR कोड स्कैन करते हैं दूसरे डिवाइस में तो स्कैन ही नहीं होता गाइज, सिर्फ लोडिंग लेता रहता है और इंटरनेट भी यहाँ पर रहता है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है गाइज, और कुछ भी स्कैन नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही स्क्रीन आता है, QR कोड बदलते रहता है गाइज। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फिक्स करना है इस प्रॉब्लम को, तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा। अगर गाइज आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस ऐसी प्रॉब्लम आती है गाइस आपको, तो यहाँ पर कैसे फिक्स करना होगा बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर याद रखिए गाइस, अगर आप यहाँ पर जियो फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि जियो का भी पहले के जैसे यहाँ पर नहीं रहा गाइस इंटरनेट, क्योंकि बहुत ही स्लो हो चुका है जियो। तो अगर आप जियो यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी जियो सिम यूज़ मत कीजिए। तो यहाँ पर गाइज ये इंटरनेट के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है गाइज, जितनी फास्ट इंटरनेट की स्पीड रहेगी उतना फास्ट ये QR कोड काम करेगा गाइज और स्कैन हो जाएगा जल्दी से। तो आपको कुछ टिप्स दूंगा मैं, वो आपको कर लेना है। तो सबसे पहले शुरू आपका जो WhatsApp है उसे यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर WhatsApp को अपडेट कर लीजिए। व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सेटिंग में चल जाना है, फ़ोन की सेटिंग में आपके। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐप्स में चल जाना है। ऐप्स में जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना होगा, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन मिल जाएगी, व्हाट्सएप के अंदर चल जाना है गाइज। और जो व्हाट्सएप के ऊपर का जो लोड है उसे आपको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए स्टोरेज में जाना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कैच यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद बैक आ जाना है गाइज, बैक आने के बाद मोबाइल डाटा में जाना होगा, ऑलो बैकग्राउंड डाटा यूसेज ऑन कर देना है इसे अगर बंद होगा तो। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है गाइस, बैक आने के बाद यहाँ पर आपका जो फ़ोन है एक मतलब रिस्टार्ट कर लेना है, अपने फ़ोन को जो सर एयरप्लेन मोड में भी डाल सकते हैं आप, एक मतलब आपके फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगी। अगर जो प्रॉब्लम होती है किसी भी इशू से रिलेटेड तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, फिर इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना होते लिए थैंक यू वेरी मच।